राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम पहिए का सफर। अरे रनद, इन जानवरों के बस का नहीं है इतना सामान खींचना। आज फिर जल्दी पड़ाव डालना होगा। यहाँ से करीब 12 रोज का सफर बाकी बचता है। अब देखो कितना सामान ठीक ठाक पहुंचता है वहां तक। रनद, अरे रनद सुन, वो सामने जो छोटी सी पहाड़ी है वो ही ठीक रहेगी। आज रात वहीं डेरा डालते हैं। ठीक है साल का। चलो 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 चलो। बच्चों, ये बात है आज से करीब 5,500 साल पहले की और प्राचीन मेसोपोटामिया यानी आज के इराक की। ये वो वक्त था जब सामान ढोने के लिए स्लेज यानी फिसलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल होता था। तब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। लकड़ी से बने स्लेज को कुत्ते खींचते थे। रनद सो गया क्या? ए रनद, आ चल कुछ देर आग के सामने बैठते हैं। अरे सो जाओ साल का, सुबह जल्दी निकलना है। हाँ, ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं अभी आया। इतना लंबा सफर और सामान इतना कि पूछो मत। अगर हाट में ये सामान नहीं बिका तो फिर वापस लाने का झंझट। मैं तो थक गया हूं बार बार यही सब करते करते। लेकिन और कुछ कर भी तो नहीं सकते, कोई और तरीका ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी के जिस कुंदे पर सालका बैठा था वो हिलने डुलने लगा। अरे भला ये लकड़ी का कुंदा क्यों मचल रहा है? अरे बैठने भी देगा या नहीं?
लगता है ठीक से टिका नहीं है। अब ठीक है, लेकिन इसके हिलने से एक बात तो समझ में आई, और वो ये कि ये आराम से लुढ़क भी सकता है, हाँ आगे जा सकता है। ये ऐसे ऐसे लुढ़क सकता है, आगे भी जा सकता है। चलो सोते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में। अरे क्या बात है साल का, सुबह सुबह किस काम में लग गए, रात तुम सोए भी देर से थे। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। साल का उस लकड़ी को हिलाने डुलाने और दूसरे प्रयोगों में लगा था, अचानक उसे ठोकर लगती है और वो पलटियां खाते हुए उस छोटी सी पहाड़ी से नीचे आ गिरता है। अरे क्या हुआ, सालका गिर गया, सालका गिर गया। अरे क्या हुआ, अरे कैसे गिरे, चोट तो नहीं आई? अरे कल रात से तू उसी लकड़ी के कुंदे के पीछे पड़ा है, उसी चक्कर में गिरे भी हो। अरे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सी ठोकर लगी थी और मैं लुढ़क कर यहाँ तक आ पहुंचा। अरे सब ठीक है, चलो 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 भाई चलो, दिया ये सामान पकड़ो सामान। ये तो गजब हो गया, मैं वो वहां से यहाँ एक झटके में आ गया, पता ही नहीं चला। कहीं मेरे गोल गोल पलटियां खाने से तो ऐसा नहीं हुआ? अरे नहीं, उससे कैसे, ढलान भी तो खूब है। लेकिन अगर मैं वहां से पैदल उतरूं तो ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ ये तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस लकड़ी के गोल कुंदे को धकेलूं तो वो भी दौड़ पड़ेगा। हाँ मैं करके देखता हूं, मैं करके देखता हूं। अरे वाह, ये तो समतल जमीन पर ही सरफट दौड़ रहा है। हाँ, इसका मतलब गोल आकार की चीज अपने आप चलेगी। हाँ, लगता है अब हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी। इसे काट कर अगर गोला बनाया जाए और फिर उस पर सामान ढोया जाए तो हाँ ये ठीक रहेगा, ये ही ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसा ही ठीक रहेगा। हाँ ऐसा ही ठीक रहेगा। बच्चों बस
ऐसे ही हुआ होगा पहिए का आविष्कार। हां, इस कहानी के पात्र काल्पनिक थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार करने वाले का नाम आज भी किसी को नहीं पता। बच्चों, आगे चलकर पहिए के आकार प्रकार में कई परिवर्तन हुए। स्लेज के नीचे लकड़ी के गोल-गोल चक्के लगाने के बाद ही इसे पहिए की शक्ल दी गई। फिर बीच में छेद करके दो पहियों को जोड़ा गया होगा और यही उसकी धुरी कहलाई। लेकिन इसे खींचने का काम जानवर ही करते रहे, चाहे बैलगाड़ी हो या रथ। बाद में पहियों में धातुएं जड़ी जाने लगी, जिससे ये और मजबूत बन पड़े। कुएं से पानी निकालने से लेकर कल कारखानों में भी इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। यहां तक कि कुम्हार ने अपनी चाक भी इसी से बनाई। फिर पहिए को हल्का, आसानी से घूमने वाला और ज्यादा से ज्यादा वजन ढोने लायक बनाने के लिए कई प्रयोग शुरू हुए। और इसी से जुड़ी है 1888 में ब्रिटेन में हुई एक घटना, जिससे पहियों की दुनिया में क्रांति आ गई। और इस क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन बॉयड डनलप। ओहो, तुम फिर आ गए अपनी साइकिल से मेरा गार्डन खराब करने। ओ पापा, माफ कीजिए, मैं क्या करूं पापा, मेरी साइकिल ही ऐसी है। हाँ, यही तो है। पापा कुछ तो करो, कुछ ऐसा करो पापा जिससे खूब तेज भागे और आपका बगीचा भी खराब ना हो। अच्छा ठीक है, आप तुम जाओ। और पापा, मेरे स्कूल में साइकिल रेस भी होने वाली है, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। ओके ओके, कुछ सोचता हूँ, आप तुम जाओ। ओके पापा। ठीक ही तो कह रहा था, इतने वजनी पहिए से भला साइकिल क्या भागेगी। रोज रोज ये बगीचा भी खराब होता है, साइकिल के पहिए को तो हल्का होना चाहिए। क्यों ना पहिए पर मैं पाइप चढ़ा दूं? अरे वही पाइप जिससे मैं पौधों में पानी डालता हूं। अरे हाँ, पानी, हाँ पानी, पानी भरा रहने तू, पर इसे लगाऊंगा कैसे? इस पानी की जगह अगर किसी तरह हवा भर दूं तो, लेकिन एक जोर भी तो बनाना पड़ेगा ताकि हवा निकले नहीं। अगर इस रबर के पाइप में हवा रही तो साइकिल चलते वक्त हल्की हो जाएगी, झटके भी नहीं लगेंगे और जिससे ये तेज भागेगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूं। यस, ऐसा ही करता हूं। अरे देखो तो सही, जॉनी की साइकिल के पहिए पर रबर चढ़ा है। हाँ, तभी तो इसने रेस जीत ली, साइकिल अब और तेज भागती होगी। पता है, उसके पापा ने बना कर दी है। चलो चलो, उसी से पूछते हैं कैसे बनाया इसे। हाँ हाँ, चलो चलो। बच्चों,
अपने बेटे की साइकिल पर रबर चढ़ाने वाले थे जॉन बॉयट डनलप। इन्होंने ट्यूब लगे पहिए का आविष्कार किया। आज हम साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक के पहियों पर यही हवा भरे और रबर चढ़े टायर देखते हैं। धीरे धीरे ऐसे पहियों में भी काफी सुधार किया गया। समय और दूरी पर विजय पाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। पहियों का साथ सड़कों ने खूब दिया और अब तो इनका जाल बिछ चुका है। पहिए का सफर। अभी आप सुन रहे थे उमंग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। विषय समन्वय प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख विजय शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, शांति एस कालरा और कीमती आनंद, बाल कलाकार श्वेताभ, गौरव और मधु, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और दीपा, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।